असादुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार में मुस्लिम टेक्टिकल इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिसे ओवैसी साहब की पार्टी के ज्यादातर मुस्लिम एमएलए जीत जाते और बिहार से भाजपा का सफाया हो जाता। मुस्लिम टेक्टिकल इलेक्शन ये है कि ओवैसी साहब मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज कटिहार अरनिया पूर्णिया से सिर्फ 10 सीट पर ही चुनाव लड़ते और बिहार के बाकी सीटों पर बिना मांगे आरजेडी गठबंधन को समर्थन करते, जिससे बिहार से भाजपा का सफाया हो जाता। ओवैसी साहब की पार्टी आरजेडी सरकार में हिस्सेदार हो जाती, लेकिन बिहार में ओवैसी साहब अपनी मुस्लिम पार्टी को हिंदू स्टाइल में चुनाव लड़वा रहे हैं। बिहार की 40-50 मुस्लिम सीटों पर ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन्हीं मुस्लिम सीटों पर राजद और जदयू के कदावर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा, यहीं से 30-35 भाजपा के एमएलए जीत जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा खतरा एमआईएम के गठबंधन वाली पार्टियों से होगा। एमआईएम के पार्टनर नंबर एक मायावती, जो 4 बार भाजपा गठबंधन में रही हैं, गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार कर चुकी हैं और बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। पार्टनर नंबर दो उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी सरकार के भूतपूर्व मंत्री हैं और बिहार में इनका वोट 2% से कम है। पार्टनर नंबर तीन डॉक्टर संजय निषाद, जिनका उत्तर प्रदेश में भाजपा से गठबंधन है और इनका बेटा प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भाजपा का सांसद है। चौथा और पांचवा पार्टनर के पास वोट नहीं है। ओवैसी साहब इन सभी पार्टनरों के लिए मुसलमानों से वोट मांगेंगे। मुसलमानों का 10% भी वोट पार्टनरों को दिलाने में ओवैसी साहब कामयाब हो गए तो भाजपा गठबंधन 2/3 वोट से चुनाव जीत जाएगा और बिहार में नीतीश कुमार नहीं भाजपा का मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। भाजपा सरकार सबसे पहले बिहार के मुसलमानों का गेजा बीफ को बैन करेगी। बिहार उत्तर प्रदेश गुजरात और आसाम बन जाएगा। ओवैसी साहब कर्नाटक में चुनाव प्रचार किए, भाजपा की सरकार है वहां। एमआईएम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ी, भाजपा का सरकार बनी, बीप पर बैन लगाया गया। महाराष्ट्र में एमआईएम लोकसभा की 47 सीटों पर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी, 41 सीटों पर भाजपा जीती और ओवैसी साहब दलित बैकवर्ड पार्टियों से गठबंधन करके हिंदू स्टाइल में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ मुसलमानों का नुकसान करती है, दलित बैकवर्ड का नहीं, क्योंकि दलित बैकवर्ड भी हिंदू है, आरजेडी और कांग्रेस भी हिंदू है। 370 कश्मीर एनआरसी और बाबरी मस्जिद का फैसला पर सारी पार्टियां हिंदू नजर आई। इसीलिए लेसर एविल मसलहत के तहत ओवैसी साहब से गुजारिश है कि आप एमआईएम के पार्टनरों से अलग होकर सिर्फ 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़िए और बाकी सीटों पर आरजेडी का समर्थन कीजिए। आस मोहम्मद 10 सीटों पर आपका चुनाव प्रचार करने आएगा। शुक्रिया, थैंक यू। आस मोहम्मद, XMP। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।